बैक टू माई YouTube चैनल। सो बस मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई है, अभी 6 बज गए हैं और मेरी 10:30 की फ्लाइट है। सो बस मैं रेडी हूँ और हम निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। तो बस मैं निकल गई थी घर से, आधे लोग जा रहे हैं मेरे को छोड़ने के लिए क्योंकि घर पर लाइक कज़न्स के एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, सो वो बिज़ी हैं। और मैंने बोला चलो दिल्ली को तो बाय बाय करें यार कुछ दिनों के लिए। एंड पहले मैंने गेट वगैरह चेक कर लिया था अपना, और मॉम ना थोड़े से इमोशनल ज़्यादा हैं तो उनको गुड बाय करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, बट उनको गुड बाय कर दिया। वो बोर्डिंग पास पे मेरा है गेट नंबर 20, सो मैं अंदर पहुंच गई हूँ बस, एंड अब मैं क्यू में लगूंगी। ये रहे मेरे बोर्डिंग पासेस। यहाँ पर ना इमिग्रेशन के बाद लाइक सारे हैंडबैग्स वगैरह चेक होते हैं, तो मेरी वॉच फ़ोन सब कुछ यहाँ पर रखवा लिया था। पहली बार यार एक्सपीरियंस कर रही थी एयरपोर्ट के अंदर से, बाहर तो मैं पहले भी आई हूँ बट इतना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, अलग ही फील आ रही थी मुझे यहाँ पर। और मुझे ना बैंक की साइड से कार्ड मिला था लाउंज के लिए, बट वो यहाँ पर वर्क नहीं किया क्योंकि वो सिर्फ डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए होता है। तो इनकेस आपको भी ऐसा कुछ कार्ड मिलता है तो आप पहले ही लाइक उसको पता कर लें कि वो डोमेस्टिक के लिए है या नहीं। मैंने खाली तो बहुत बार खाया, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं एयरपोर्ट पर बैठ के खाऊंगी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, थोड़ी थोड़ी नर्वसनेस है बट इट्स ओके, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। सो मेरी मम्मा थोड़े से इमोशनल हो गए थे तो मैं भी हो गई थी, बट अब मैं ठीक हूँ। मेरी फ्लाइट 10:25 का है, सो मैं अभी तो ऊपर वेट कर रही हूँ, थोड़ा सा कुछ खाऊंगी, मुझे मेडिसिन लेनी है, उसके बाद मैं नीचे चली जाऊँगी। तो यार मेरा तो एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा अच्छा है कि मैं तो यहीं इतनी खुश हो गई। सो आगे की जर्नी तो बड़ी मज़ेदार होने वाली है, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे डर लगेगा, बट मैं बिल्कुल नहीं डर रही हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। मैं बस इधर से उधर से इधर घूम रही हूँ, बट मैं अपने गेट के पास आ गई हूँ कि इनकेस मैं डिले ना हो जाऊँ किसी भी चीज़ के लिए। ये है मेरा फर्स्ट लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, वो भी अकेले, सो इट्स वेरी एक्साइटिंग रियली फॉर मी। फ्लाइट में मैंने अपनी सीट चेक कर ली थी और मैंने विंडो सीट ली थी, और मेरी ब्रिटिश एयरवेज थी। लाइक ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर मैं ब्रिटिश एयरवेज का बताऊँ तो मेरा अच्छा था। एंड बोलते हैं ना कि डर लगता है लाइक टेक ऑफ करते वक्त, मुझे तो ऐसा कुछ डर लगा नहीं वैसे, और शायद मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थी इसलिए। तो बस मैं बैठी और इधर उधर मैं देख रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार लाइक दुनिया कितनी बड़ी है ना, और हम कितने ज़्यादा ऊपर आ गए हैं। एंड गॉड को तो थैंक करना बनता ही है जिन्होंने लाइक यहाँ तक कितनी हेल्प की है। स्टार्टिंग में जूस वगैरह था इनकी तरफ से, और फिर बाद में लंच आया। लंच ओवरऑल मेरे को ओके लगा, लेकिन था काफ़ी कुछ लाइक उसमें दाल था, पनीर था, लच्छा पराठा भी दिया उन्होंने, मिल्क चीज़ वगैरह थी, और सबसे अच्छी मुझे लगी पुडिंग, बहुत टेस्टी थी वो। बोर हो रही थी तो फिर मैंने सोचा क्यों ना करोड़पति गेम खेल ली जाए, और फाइनली मैं जीत गई उसमें 7 करोड़। और एक्चुअली ना अचानक से बहुत ज़्यादा ना वेदर चेंज हो गया, तो आई रियलाइज कि नीचे जो है ना वो ब्लैक सी है। अब ब्लैक सी जहाँ तक मुझे पता है कि उसका कलर ब्लैक इसलिए शायद ऊपर उसके स्काई की वजह से, और कुछ लाइक टैंक्स वगैरह में जो मेटल्स या फ्यूल्स संक हो जाते हैं उसकी वजह से भी उसका कलर ब्लैक है। तो वेदर उस टाइम बहुत अच्छा हो गया था, बिल्कुल अंधेरा हो गया था उस टाइम पे। और अब मेरी फ़्लाइट पहले हीथ्रो तक थी, वहाँ पर मेरा स्टे था, तो मैं हीथ्रो पे उतर गई थी। फाइनली लैंडिंग हो रही थी, लैंडिंग के टाइम पे मुझे थोड़ा सा डर लगा लाइक जितना मेरे को टेक ऑफ पे लगा था उससे थोड़ा सा ज़्यादा। फिर हीथ्रो के लाइक एयरपोर्ट पे मैं फ्रेशन अप होने चली गई थी, वहाँ पर आपकी मुलाकात होगी टॉयलेट पेपर से जो मेरी भी, एंड वहाँ का भी फूड कोर्ट था बट मुझे भूख नहीं थी तो मैंने नहीं लिया फूड कोर्ट। हीथ्रो पे भी मेरा एक इमिग्रेशन हुआ था क्लियर, और उसके बाद बस
मैंने फ़्लाइट ली, मेरी फ़्लाइट अराउंड 45 मिनट्स की थी सिर्फ हीथरो की, बट 1.5 आवर लग गया था टोटल बीच में स्टे के बाद। और लास्ट में मैंने न्यू कैसल पर जाकर अपना लगेज लिया एंड बाहर मेरे लिए मेरे कज़न्स वेट कर रहे थे। और जैसे ही मैं बाहर निकली इतनी ज़्यादा बारिश थी और इतना अच्छा वेदर था, सो फाइनली मैं हीथरो पहुँच गई, हीथरो से न्यू कैसल। सो गाइस, मैं हूँ अब अपने रूम में और मैं पहुँच गई थी लाइक यहाँ पर तब 8:30 हो रहे थे, इंडिया में अराउंड 1 हो रहे होंगे, 1 और 1:30। सो प्लीज़ मेरी ब्लॉग को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मुझे सपोर्ट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।